नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। महाकुंभ की महातैयारी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल आ रहे हैं। वे यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे और चुनाव के लिए पार्टी को ताकत देने का काम भी करेंगे। पीएम के इस दौरे के मद्देनजर बीजेपी ने यहां अभूतपूर्व तैयारियां की हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्सियत जो वन मैन आर्मी की तरह हैं, जहां जाते हैं एक तरफा माहौल बन जाता है। तभी तो मध्य प्रदेश के चुनावी रण में विजय पताका फहराने और कार्यकर्ताओं में जीत का दम भरने के लिए पीएम भोपाल आ रहे हैं। और जब पार्टी का सबसे बड़ा और भरोसेमंद चेहरा राजधानी में पहुंच रहा हो तो तैयारियां भी सबसे शानदार ही होंगी। 25 सितंबर को भोपाल पहुंच रहे पीएम मोदी कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में होंगे शामिल। पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश, चुनाव में विजय पताका फहराने का प्राण। 25 तारीख को जब पीएम मोदी भोपाल पहुंचेंगे तो उनका स्वागत भी बेहद खास अंदाज में किया जाएगा। उनके स्वागत के लिए राजधानी को खास तौर पर सजाया गया है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पार्टी के पदाधिकारियों ने शहर में जगह जगह चौक चौराहों पर खास सजावट की है। भोपाल का जंबूरी मैदान हुआ तैयार। जंबूरी मैदान में बीजेपी का महाकुंभ। महाकुंभ में शामिल होंगे पीएम मोदी। 2 घंटे तक कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे पीएम। पीएम मोदी के भोपाल कार्यक्रम की बात करें तो सुबह करीब 10:55 पर पीएम भोपाल पहुंच जाएंगे और वहां से वे सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए जंबूरी मैदान पहुंचेंगे, जहां 2 घंटे तक पीएम इस महाकुंभ में हिस्सा लेकर 2023 के साथ ही 2024 के लिए भी जीत की रणभेरी बजाएंगे। और फिर दोपहर 1 बजे पीएम भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम कहा जा रहा है, तभी तो महाकुंभ इसे नाम दिया गया। इस महाकुंभ में लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। वहीं पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था काफी तगड़ी है। पीएम की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद तैयारी। 4000 पुलिस बल की रहेगी तैनाती। 26 आईपीएस अफसरों की भी ड्यूटी लगाई गई। एसपीजी एनएसजी की टीम ने भी डाला डेरा। एंटी ड्रोन सिस्टम भी हुआ सक्रिय। हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन वैश्विक नेता का मिलेगा। पलक पावड़े बिछाकर सभी कार्यकर्ता और जनता मोदी जी के स्वागत के लिए, वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए आतुर है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी लगभग 4000 बल लगाया गया है। 25 आईपीएस अफसर उसमें तैनात किए गए हैं। एसपीजी एनएसजी की टीमें आ चुकी हैं और उन्होंने भी व्यवस्था संभाल ली है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है वहां पर। डीएफ एमडी एचएच एमडी ये सिस्टम भी वहां पर लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे और ऐसे में किसी को कोई परेशानी न हो, इस लिहाज से भोपाल के कई स्कूलों ने सोमवार को छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने पीएम के कार्यक्रम को लेकर 3 कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग को मिनिस्टर इन वेटिंग बनाया गया है। बता दें कि प्रदेश के 5 संभागों से बीजेपी की निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा का समापन भोपाल के जंबूरी मैदान में होगा और पीएम पार्टी कार्यकर्ताओं में जीत के लिए जोश भरने के साथ ही यहां पहुंचकर विजय की रणभेरी बजाएंगे। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18, भोपाल। बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जिस रोड से प्रधानमंत्री मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे उस रोड पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है।
पोस्टर्स के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया है। कार्यकर्ता महाकुंभ के रोड पर भाजपा ने एक सड़क किनारे प्रदर्शनी लगाई है, उसमें आपको देखिए भव्य रामलला नजर आ रहे हैं, रामलला का मंदिर नजर आ रहा है। ये वो मॉड्यूल है जो कि अयोध्या में तैयार हो रहा है, राम मंदिर पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। उसके बाद यहां पर आपको कार्यकर्ता महाकुंभ के सभी मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहां पर आपको हाल ही में भारत जो चांद पर पहुंचा है चंद्रयान का, वो चांद पर तिरंगा फहराने के लिए धन्यवाद मोदी जी देते हुए इस तरह के पोस्टर प्रदर्शनी में नजर आ रहे हैं। ये चंद्रयान नजर आ रहा है। उसके आगे यहाँ पर पूरी सड़क पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है, यहाँ पर भाजपा सरकार की वो योजनाओं के कटआउट होर्डिंग नजर आ रहे हैं। ये प्रदर्शनी में लाडली बहना के लिए धन्यवाद मोदी जी, लाडली बहना योजना का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसका भी कटआउट है। उसके आगे यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में 450 रुपए में भाजपा सरकार सिलेंडर देने जा रही है, और उज्ज्वला योजना जो सिलेंडर है वो नजर आ रहे हैं। उसके थोड़ा ही आगे प्रधानमंत्री आवास योजना के भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो मकान है। तो सभी प्रमुख योजनाओं की ब्रांडिंग भी कार्यकर्ता महाकुंभ में की जा रही है, और यहाँ पर तमाम होर्डिंग पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से भाजपा उन सभी योजनाओं का प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना का भी यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया है। तो सभी भाजपा केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के होर्डिंग और बैनर और पोस्टर आपको जगह जगह सड़क के किनारे नजर आ रहे हैं। तो भाजपा इन्हीं योजनाओं के बूते एक बार फिर से सरकार पर सरकार में आना चाहती है, और उसी की तैयारियों के झलक दिखाई दे रही है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। पीएम मोदी के लिए विशेष हेलीपैड तैयार हो चुका है, यहां से सभा स्थल करीब 200 मीटर दूर है। जंबूरी मैदान में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का एक रोड शो भी वहां पर होना है। नरेंद्र मोदी कल कार्यकर्ता महाकुंभ के भोपाल पहुंचेंगे। महाकुंभ में जब आएंगे उसके पहले ये वो हेलीपैड तैयार हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी इस हेलीपैड पर आएंगे, और यहां से उनका सभा स्थल करीब 200 मीटर दूर है। इस हेलीपैड पर उतरने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे, और इस सभा स्थल पर उनकी एक बड़ी आम सभा होगी, और यहां पर उनका एक रोड शो होगा। तो पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी का भव्य रोड शो भी होगा। पीएम मोदी के दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सड़क के दोनों ओर सरकार और संगठन के बड़े चेहरों के पोस्टर्स लगे हुए हैं। भोपाल के जंबूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। ये वो सड़क है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एंट्री करेंगे, यहीं से उनका काफिला कार्यक्रम स्थल की तरफ जाएगा। उसके पास में आपको कटआउट नजर आ रहे हैं, यहाँ सरकार और संगठन दोनों के चार बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस सड़क पर देखिए पुलिस के कड़े प्रबंध हैं, लगातार सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद की जा रही है। कहाँ से किन वाहनों को गुजरने देना है, उस तरह की सभी एंट्री को ब्लॉक किया जा रहा है, रोका जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की पब्लिक की आवाजाही या किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। और इसके अलावा यहीं पर पास में अलग अलग यहाँ से रोड शो के लिए इंतजाम किए गए हैं, और यहाँ पर सिर्फ वीवीआईपी एंट्री रहेगी, ये वो रोड है। इसके अलावा देखिए दूर तक आपको बड़े कटआउट नजर आ रहे हैं, भाजपा के भगवा झंडे नजर आ रहे हैं। तो ये भोपाल का सबसे बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। मध्य प्रदेश में भाजपा इस कार्यकर्ता कुंभ के साथ एक बार फिर 2023 में अपनी सरकार बनाने के लिए कमर कसे हुए है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। आइए अब आपको जंबूरी मैदान में उस मंच पर ले चलते हैं जहां से पीएम मोदी लाखों लोगों को संबोधित करेंगे। मंच पर केंद्र और राज्य के बड़े नेताओं के पोस्टर्स लगे हुए हैं। लोगों के बैठने के लिए एक भव्य डोम बनाया गया है।
भोपाल के जम्बूरी मैदान में कल कार्यकर्ता महाकुंभ होने जा रहा है। हम आपको वो मंच दिखा रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी कल संबोधित करेंगे। आप देखिए यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और प्रदेश का वो सामूहिक नेतृत्व भी नजर आ रहा है जो कि मध्य प्रदेश में जिसके हाथों में चुनाव की बागडोर है। तो कल सबसे बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। हम आपको आइए ले के चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह के डोम बने। देखिए आपको ये सबसे प्रमुख डोम है जहां पर लाखों कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगर दूर देखेंगे तो आपको चार बड़े कटआउट भी नजर आ रहे हैं जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। इसके अलावा ये चारों तरफ आपको मंच दिखाई दे रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ की भोपाल के जम्बूरी मैदान में तैयारियां चल रही हैं। यहां पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे। पीएम के संबोधन के लिए विशालकाय मंच बनाया गया है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल होने वाली सभा के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हम उस रोड पर चल रहे हैं जहां पर कल पीएम मोदी रोड शो के साथ अपने यहां पर आने वाले 10 लाख कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। पीएम मोदी इसी रोड से यहां पर रोड शो करते हुए निकलेंगे और आपको सामने सभा स्थल दिखाई दे रहा है जहां पर लाखों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी। इस रोड शो के साथ एक एक कार्यकर्ताओं से मोदी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। आपको बाएं तरफ ये मंच के पास का नजारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुर्सियां रखी हुई है, इसके पीछे विशाल मंच होगा। तो पहली बार इस बार कार्यकर्ता सम्मेलन में पीएम मोदी का रोड शो होगा और इस रोड से वो कार्यकर्ता से कनेक्ट होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो चलिए अब बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने दावा किया है कि इसी साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत रही है, तेलंगाना जीत सकते हैं, राजस्थान में मुकाबला करीबी हो सकता है, लेकिन उन्हें यकीन है कि जीत कांग्रेस की ही होगी। राहुल गांधी दिल्ली में एक मीडिया हाउस इवेंट में मौजूद थे, वहीं उन्होंने ये बड़ी बातें कही। राइट नाउ We are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close and we think we'll be able to win. Right now. Right. We are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close and we think we'll be able to win. Right. अब आपको मंत्री जी का एक स्टंट दिखाते हैं। खतरों के खिलाड़ी बने जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला। वीहर नदी के ऊपर मंत्री जी ने स्टंट किया है, ये देखिए तस्वीरें। वीहर नदी को साइकिल से पार किया, इको पार्क का आज लोकार्पण होना था। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे मंत्री राजेंद्र शुक्ला और इसी दौरान स्टंट करते हुए, खतरों से खेलते हुए नजर आए जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला। वीहर नदी के ऊपर किस तरीके से उन्होंने साइकिल चलाई है रोप पर, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रीवा की ये तस्वीरें। इको पार्क का आज लोकार्पण होना था और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए राजेंद्र शुक्ला पहुंचे हुए थे, तभी उन्होंने वीहर नदी को साइकिल चलाकर पार किया है। स्काई साइकिलिंग जिसे कहते हैं वो की है उन्होंने, रूप पर साइकिल चलाई और वीहर नदी को पार किया राजेंद्र शुक्ला ने। खतरों के खिलाड़ी बने मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला, वीहर नदी के ऊपर स्काई साइकिलिंग की है, वीहर नदी को पार किया है साइकिल चलाकर, रूप पर साइकिल चलाई है जिसे कहते हैं स्काई साइकिल। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे वनडे मुकाबले की। इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है और शानदार बल्लेबाजी भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा, 399 रन बना दिए हैं भारत ने, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है भारतीय बल्लेबाजों ने,
सूर्य कुमार यादव ने विस्फोटक पारी खेली, गिल अय्यर ने शतक लगाया, ऑस्ट्रेलिया को मिला है 400 रनों का टारगेट। जमकर रन बरसे हैं इंदौर के होलकर स्टेडियम में, ऑस्ट्रेलियाई टीम को 400 रनों का टारगेट यहां पर दिया है भारत ने। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।